नमस्कार किसान भाइयों, आज आपको दिखा रहे हैं गन्ने का खेत जो सबसे जबरदस्त खड़ा हुआ है। आप देख भी सकते हैं पूरी की पूरी लाइन बहुत जबरदस्त खड़ी हुई है और पेड्डी हमारे किसान भाई के पास है, तो पूरी जानकारी लेंगे। 5 से 6 बीज आपको आज दिखाएंगे और कितना सुंदर खेत खड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छी हाइट, बहुत जबरदस्त गन्ना पेड्डी और इतना अच्छा कि इसमें कोई घास नहीं, कोई किसी तरीके का रोग भी नहीं है। तो सबसे पहले हम मिलते हैं आज आपके जाने पहचाने चेहरे हैं चमन भाई। तो चमन भाई, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को एक बार अपनी नमस्कार कर दो। नमस्कार जी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं जी, पीछे आपने जो पेड्डी प्रबंधन कर रखा है, आपने पेड्डी जो है ये इतने अच्छे से तैयार कर रखी है, पहले तो इसका राज बताओ हमारे किसान भाइयों को कि क्या राज है। राज क्या भाई, एक बार अंदर को आ जाओ, अंदर से भी दिखा दें किस तरीके से आपने गन्ना कर रखा है। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हम अंदर खेत के आ चुके हैं और बहुत जबरदस्त गन्ना रिंग पिट का खड़ा हुआ है। तो चमन भाई, पहले सबसे बात ये बताओ कि आपने लगाया कब गन्ना, जो बोयर लगाई थी वो कब लगाई थी? वो 10 मार्च को लगाई थी। पिछले साल 10 मार्च को। साल अच्छा, अब जो है इसकी जो कटिंग हुई, कितने दिन हो गए इसकी कटिंग हुई जो आपने बोयर गन्ना अपना मतलब पौधा गन्ना काटा? 12 मई को कटा इसमें से गन्ना। 12 मई को लास्ट गन्ना कटा, यानी कि 2 महीने 3 महीने आपकी लगभग कटिंग चली। हाँ, 10 फरवरी से हुआ शुरू। अच्छा जी, और 12 मई तक कटा। 12 मई तक लास्ट हुआ गन्ने का। महीने। लेकिन खेत तो पूरा एक सार खड़ा हुआ है एकदम, मतलब इसका क्या हुआ कि एकदम पूरा खेत आपका एक सार खड़ा हुआ है और बिल्कुल साफ सफाई, पत्ती उतरी हुई, तो देखो जी लगता है खेत के अंदर। आपने मेहनत कर रखी है बहुत अच्छे से, बहुत तगड़ी मेहनत करी है। तो कुछ भी ना है, बिल्कुल 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 मेहनत के कुछ नहीं है। तो हमारे किसान भाइयों को एक बार ये बताइए कि आपने लगाया क्या क्या इसके अंदर? ये डाली डाई पोटास यूरिया कैल्शियम। अच्छा, डाई पोटास यूरिया कैल्शियम, मतलब जो हमारे पोषक तत्व है जमीन के लिए वो आपने सब चीज इसमें गन्ने में दी है। और भी सब चीजों की आवश्यकता भी है जमीन के अंदर, देखो किसान भाइयों, क्योंकि ये नहीं है कि भाई हमने कुछ नहीं डाला, तो ऐसा नहीं होता। बिना कुछ डाले हुए कभी कुछ नहीं होता, अच्छे से मतलब समय पर हमें सब चीजें डालनी पड़ती हैं। तो आपने जो प्रयोग करा वो कितने किलो डाई और कितने किलो पोटास का इसमें खेत में पूरे में प्रयोग करा? लगभग 5 किलो, अभी तो 5 किलो पोटास डाली इसमें। 5 किलो बीघे की, 5 किलो बीघे की पोटास और 5 किलो बीघे का यूरिया। अच्छा जी, ये डाला। अब जो बाद में अब डालना, तो हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये बताइए आप, जैसे आप गन्ना तैयार कर रहे हैं, आपका गन्ना बहुत अच्छा खड़ा हुआ है, बहुत जबरदस्त गन्ना है। तो हमारे किसान भाई, जब पेड्डी कटती है, गन्ना कटता है बोयर का, पेड्डी फूटने लगती है, तो उसमें कैसे शुरुआत करें, क्या क्या चीज डाल लें, किस किस बातों का ध्यान रखें? 1 महीने तक तो ऐसे नहीं छोड़ रखा इसे। अच्छा, घास पात जैसे खड़ा इसी बंजर पड़ा रहा, ठीक है जी। 1 महीने के बाद इसकी सफाई करवाई, फूटा हुआ इसमें, तो इसमें होमिक सागरिका और यूरिया जिंक डाली। आपने जब इसका फुटाव शुरू हुआ, ताकि उसका फुटाव अच्छे से आ सके, ये ठीक है जी, डाली, ठीक है जी। उसके दोबारा में जो है 2 किलो ब्लैकबेरी और जी 5 किलो सल्फर, 25 किलो यूरिया और 4 किलो फटेरा। 4 किलो फटेरा, मतलब 5-6 बीघे में आपने ये पूरे में 4 चीज डाली। 6 बीघे में आपने पूरे में लगाया, 1 बीघे में लगाया? पूरे में, ये चीज 6 बीघे खेत है आपका। तो आप अच्छा ये चीज बताओ कि आपने जो है ये रिंग पिट जो है कितनी दूरी पर लगा रखी है, जो गड्ढे से गड्ढे की दूरी कितनी है? गड्ढे से गड्ढे की तो 3 फुट है, और लाइन से लाइन की जो दूरी से लाइन की तो 5 फुट भी है, 7 भी, गड्ढे गलत कर रखे हैं पिछले साल के। अच्छा, नहीं वो तो है ही है। तो जैसे आपने अब जो है इसकी बनाई रस्सियों से कर दी है, बिल्कुल नजदीक से चमक रही है, रस्सियों से बनाई कर रखी है, तो ये आपने अपना आप ही करी है? अपने हाथ से। अच्छा, अपने हाथ से, मतलब जो आप करते हो सब अपने हाथ से करते हो, अच्छे से प्रबंधन करते हो। तो जैसे आपने कौन कौन सी इस वक्त वैरायटियां आपके पास हैं, कौन कौन सी वैरायटियां आपने लगा रखी हैं, एक बार हमारे किसान भाई? 8005 है जी, 15027 है, 31.02 है, 11.06 है, 51.91 है, 82.79 है, ये है, और भी किलो 31.02 भी है, मतलब लगभग वैरायटी तो 20-22 है। दूसरी वैरायटी जो उन्होंने नाम बताए, आपको एक दो वैरायटी दिखा भी देते हैं जो इस खेत के अंदर हैं, तो एक बार उन्हें भी दिखा दीजिए हमारे किसान भाई को कैसी कैसी हो रही है। आओ जी, तक आया इसका एक जो 82.79, और जो इसकी गड्ढे कितने हैं आपके 82.79 के जी? एक लाइन में है 60-65 गड्ढे, एक लाइन में 60-65 गड्ढे, यानी कि काफी अच्छा आपका उत्पादन रहा इस बार, इस गन्ने का अच्छा उत्पादन रहा, गन्ने ने वजन बढ़िया दिया। इसके बाद आपके यहाँ कौन सी वैरायटी है? 51-91 है अगली वैरायटी, तो आ जाओ भाई एक बार अगली वैरायटी पे तो चलते हैं। चमन भाई, ये कौन सी वैरायटी है, हम इसका बहुत जबरदस्त गन्ना देख रहे हैं और मोटा भी। है। अच्छा, ये 15027 है, तो आपका इसका एक गड्ढे का औसतन वजन कितना है जिसमें अच्छे स्वस्थ गन्ने हैं? इसका पिछले साल 60 किलो का 62 किलो का एवरेज आया एक गड्ढे का। इसमें कितने गड्ढे हैं आपके जो 15027 के आपके पास?
मान लो 60, 120 200 के करीब, 200 गड्ढे लगभग हैं। और इसके बाद आप कौन सी वैरायटी दिखाओगे जी हमें? 3102। ये कौन सी वैरायटी है, कौन सी वैरायटी दिखाओगे जी? ये 3102 है भाई। वाह, देख सकते हो जी 3102 गन्ना वैरायटी। और ये भी जो है काफी अच्छी चल रही है, ये भी ठीक हो रही है गन्ना। सारा ही गन्ना बढ़िया कर रखा आपने, काबिले तारीफ है। देखो आपने गन्ना कर रखा है। और हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहोगे जी? गन्ना बोवे गन्ने में फायदा, जो समय पर दवाई गोली की जरूरत पड़े उदय में या खाद बीज दे। अच्छा, मतलब समय पर जो करना है वो समय पर करें। गन्ने से पूरे संतुष्ट हैं आप भी? तो आपने भाई आपने अपना खेत दिखाया, पूरी जानकारी दी बताया, और इसके लिए भी आपका धन्यवाद है। और दर्शकों, आपको कैसी वीडियो लगी दोस्तों, तो आप भी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक शेयर करना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको गन्ना कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना।